तो अगला है p इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी है। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग रीड लिखेंगे, स्टेप वन में स्टार्ट लिखिए और स्टेप टू में रीड। कितने वेरिएबल है, पी ए और बी, इसके सिवाय कोई वेरिएबल है, कोई अल्फाबेट है? देखिए पी है, ए है और बी है। ए बी है तो रिपीटेड है तो नहीं लेंगे, नंबर है तो नहीं लेंगे। तो पी कामा ए कामा बी। अब थर्ड स्टेप में पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब ए इंटू ए प्लस है लगा दो, बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी प्लस है तो लगा दो। इनके बीच कोई सिंबल नहीं तो गुणे का ही होता है, टू इंटू ए इंटू बी। अब इक्वल से पहले कौन सा वेरिएबल है, पी, तो फोर्थ में लिखेंगे प्रिंट पी। और फिफ्थ में आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा इसका, जब आपका मीन्स प्रिंट हो जाए, प्रिंट होने के बाद ही हमारा काम खत्म हो जाता है, तो हम लिखते हैं स्टॉप। अब अगली प्रॉब्लम देखिए, अगली प्रॉब्लम्स जैसे आपका है, अब फार्मूला आप लोग करिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग अपने से भी सॉल्व करके, होमवर्क में मैं दूंगा उसको सॉल्व करके दिखाइएगा। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया n इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी दिया। तो अब देखिए तो कितने वेरिएबल है, n है, a है, b है और बाकी ए बी रिपीटेड है तो छोड़ दीजिए, नंबर है तो छोड़ दीजिए। तो पहले स्टेप में लिखेंगे स्टार्ट, सेकेंड में लिखेंगे रीड, क्या है n कामा a कामा b। तो बताओ तीन ही तो अल्फाबेट है, इसके सिवाय कोई अल्फाबेट है नहीं, रिपीटेड है उससे मतलब नहीं। अब थर्ड में लिखेंगे n इज इक्वल टू a क्यूब है, मतलब a को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कराइए, और प्लस b क्यूब है तो b इंटू बी इंटू बी प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी थ्री इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए इक्वल से पहले कौन वेरिएबल है, n, तो प्रिंट n करा लीजिए और फिफ्थ नंबर में स्टॉप। ये हमारा फार्मूला था। अब फार्मूला किसी भी प्रकार का होगा तो आप सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फोन करके पूछिएगा, हम उसको बताएंगे। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन जैसे हम करा दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आप क्वेश्चन बेस करा रहे हैं, ये तो आपको वेरिएबल दिख रहा है, आप फार्मूला है तो आपको वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें वेरिएबल ना दिखे, क्वेश्चन दे दे और कह दे इसका एल्गोरिथम बनाना है, तब कैसे करेंगे? देखिए जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, किसी भी पांच संख्याओं का किसी भी पांच संख्याओं का योगफल तथा औसत ज्ञात कीजिए अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि किसी भी पांच संख्याओं का योगफल तथा औसत ज्ञात कीजिए, तो आप देखिए इसमें आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है और इसमें आपका कोई भी फार्मूला नहीं दिया। तो ऐसे में हम लोग वेरिएबल को पहचानेंगे, ढूंढेंगे कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो चीज़ देखिएगा। और इसको एल्गोरिथम से बनाना है, किससे बनाना है, एल्गोरिथम से ही बनाना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि किससे बनाना है, तो एल्गोरिथम पढ़ लें, तो एल्गोरिथम से हम लोग बनाएंगे।
देखो क्वेश्चन पढ़ो, किसी भी पांच संख्या, यहाँ पर देखो अंडरलाइन करो, कितना संख्या दिया है पांच, तो पांच संख्या दिया इसका मतलब पांच वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स पांच अल्फाबेट, कोई भी पांच अल्फाबेट, जैसे हमने ए बी सी डी ई ले लिया, तो पांच अल्फाबेट हो गया, मतलब नंबर दिया है पांच संख्याओं का, पांच संख्या मीन्स पांच वेरिएबल, ए बी सी डी हमने ले लिया, डी ई, क्योंकि अब ए की भी वैल्यू कुछ होगी, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, जो वैल्यू स्टोर होती है वो वेरिएबल पर ही स्टोर होता है। और अब देखिए निकालना क्या है, योगफल और औसत, मतलब सम मीन्स योगफल होता है और एवरेज मीन्स क्या होता है, औसत होता है। तो टोटल वेरिएबल कितने मिल गए, पाँच दो सात, क्योंकि योगफल निकालना है तो हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, इंग्लिश में लिखेंगे, तो योगफल को इंग्लिश में हम लोग सम कहते हैं, औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। तो टोटल वेरिएबल कितने मिल गए, पाँच। तो अब इसका एल्गोरिथम हम लोग बनाएंगे, तो पहले स्टेप में लिखेंगे स्टार, क्या लिखेंगे स्टार, और सेकेंड स्टेप में लिखेंगे रीड, ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ए, पांच वेरिएबल और सम और एवरेज भी निकालना है, तो सम कामा एवरेज। अब एवरेज को हम लोग ए बी भी लिख सकते थे, मतलब ए बी मीन्स हम लोग पहचान में आए कि एवरेज है, तो ए बी लिख सकते थे तब भी एवरेज होगा, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे इसको हम लोग ऐसे ए बी भी ले सकते हैं, ए बी मीन्स एवरेज। अब निकालना क्या है, सम, पहली प्रॉब्लम क्या है, पांच संख्याओं का सम निकालिए, सम मीन्स जोड़ दीजिए, तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। तो देखिए क्या कहा है, तीन पांच संख्याओं का सम निकालना है, सम मीन्स क्या, पांचों को ऐड करा दीजिए, तो पांचों को हमने ऐड करा दीजिए, तो सम की वैल्यू आ गई, तो इक्वल से पहले क्या है, सम, तो फोर्थ नंबर में हम लोग प्रिंट करा लेंगे किसको, इक्वल के पहले सम, तो सम को प्रिंट करा लीजिए। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, अभी एवरेज भी निकालना है, औसत भी निकालना है, तो अब फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे क्या, एवरेज इज इक्वल टू, आप लोग औसत निकालते हो तो पता है टोटल संख्याओं का योगफल बटा टोटल संख्या, तो टोटल संख्याओं का योगफल हमने निकाला तो किस पर आया, सम पे, तो सम अपान, और टोटल संख्या कितनी है, पाँच, तो पाँच से इसे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज, तो सिक्स नंबर में इक्वल से पहले क्या है, एवरेज, तो प्रिंट करा लेंगे क्या, एवरेज। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कि योगफल भी निकल आया और औसत भी निकल आया, तो सेवंथ नंबर पे इसको हम कह देंगे स्टॉप हो गया, तो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब कोई प्रॉब्लम्स है, अगर प्रॉब्लम्स होगी तो आप लोग पूछिएगा जरूर फोन करके। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इसी पी दे दे आठ, आप दे दिया कितना कि किसी भी आठ संख्याओं का योगफल तथा औसत ज्ञात करिए, तो आठ संख्या मीन्स क्या, आठ अल्फाबेट ले लो, ए बी सी डी ई, तीन पांच है तो एफ जी एच, तो पाँच तीन आठ हो गया, और निकालना क्या है, योगफल तथा औसत, यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर आप ले लीजिएगा एफ जी एच, तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए, आठ, और निकालना क्या है, सम और एवरेज, ए हो गया। अब सम निकालेंगे तो पांच को तो हमने जोड़ा था, तीन हमने बाद में दिया है, तो तीस को भी जोड़ दीजिए। अब टोटल संख्या कितनी है, आठ, तो यहाँ पांच की बजाय क्या कर दीजिएगा, आठ करा दीजिएगा, बाकी प्रोसेस क्या होगा, सेम, मतलब कि किसी भी आठ संख्या, अगर इसी पे तीन संख्याओं को का दे तो ए बी सी ही लेना, और यहाँ तीन से डिवाइड कर देंगे। अब एवरेज और सम एंड एवरेज कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, अब देखिएगा आगे क्वेश्चन इसी में,
आप इसी में दे दे किसी भी तीन संख्याओं का, किसी भी तीन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसी में दे दे किसी भी तीन संख्याओं का योगफल। तीन संख्या दिया है तो ए कामा बी कामा सी, एबीसी ना लेकर तुम ए टू जे कोई भी अल्फाबेट ले सकती हो। ये जरूरी नहीं कि जो हमने लिया आप भी वही लीजिए। चलिए हम पी क्यू आर ले ले रहे हैं, तीन वेरिएबल हैं, निकालना क्या योगफल मीन्स सम। लिख लो फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट और सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे रीड पी कामा क्यू कामा आर और क्या निकालना है सम। अब थर्ड में लिखेंगे सम निकालना है तो तीनों को जोड़ दो P प्लस क्यू प्लस आर, इक्वल से पहले सम है तो फोर्थ नंबर में क्या करा लो प्रिंट करा लो सम और फिफ्थ नंबर में इसका कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए आराम से हो गया कितनी। अब इसी में दे दे आठ संख्याओं का योगफल, तो आठ वेरिएबल ले लीजिएगा आठ अल्फाबेट और यहाँ पर लिख दीजिएगा और सबको ऐड करा के और सम को प्रिंट करा लीजिएगा। अगर इसी में मान लीजिए दे दिया किसी भी तीन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, योगफल की बजाय यहाँ दे दे गुणनफल, गुणनफल ज्ञात करना है तो तीन संख्या यहाँ सम की जगह है मल्टी ले लेना, मल्टीप्लाई होता है ना, गुणा का गुणनफल का इंग्लिश क्या होता है गुणा का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग मल्टी ले लिए। तो यहाँ पर अब सम के प्लेस पे क्या लिख देंगे मल्टी और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई और मल्टी को ही क्या करा लेंगे प्रिंट करा लेंगे। ये हमारा थ्री नंबर्स का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसी मान लीजिए दस नंबर का गुणनफल दे दे बारह नंबर का दे दे, तो आप लोग जितना नंबर देगा उतने वेरिएबल लीजिएगा और जो निकालना होगा उसको लिख लीजिएगा। अब ये आपका ये समाप्त हो गया है। अब इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमको कराना है और उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। Okay.